आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का हर दांव फेल होने की झल्लाहट कांग्रेस के बागियों के चेहरे पर नजर आने लगी है। इस वजह से बगावत की अगुवाई करने वाले सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा के बोले भी बिगड़ने लगे हैं। बता दें कि कांग्रेस के 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनसे मांग की गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधायक दल की बैठक बुलाने को कहा जाए। इस बारे में जब रंधावा से पूछा गया कि वे मीडिया पर ही भड़ास निकाल पड़े। चिट्ठी लिखने के बारे में रंधावा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन मीडिया को खरी खोटी जरूर सुना दी। सुखजिंदर रंधावा ने जब चिट्ठी के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि पंजाब की पॉलिटिक्स को इतना गंदा ना करो, नेताओं को लोगों के बीच बदनाम ना करो और मुझे अफसोस है कि चौथे स्तंभ मीडिया से ही डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। रंधावा ने बार बार स्पष्ट जवाब मांगा गया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी को लेटर लिखा गया है या नहीं, तो ये वे भड़कते हुए दिखाई दिए। और इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस प्रधान बनने के बाद पार्टी का एक गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह से असंतुष्ट है। लगातार कैप्टन को कुर्सी से हटाए जाने की कोशिश हो रही है। कैप्टन से बागी मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, खुरजिंदर सिंह रंधावा व संगठन महासचिव विधायक प्रगट सिंह की अगुवाई में सोनिया गांधी को एक लेटर भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। इसमें मुद्दा तो कांग्रेस हाईकमान के कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए 18 सूत्री फॉर्मूले का है, लेकिन बागियों की इच्छा कैप्टन पर निशाना साधने की है। इस लेटर के बारे में जानकारी लीक होने के बाद बागी झल्लाए हुए दिख रहे हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि पंजाब चुनाव के 5 महीने पहले विधायक दल की बैठक बुलाने के पिछले कैप्टन हटाओ मुहिम है, और अगर वाकई में पंजाब के मुद्दे की फिक्र होती तो 4.5 साल कांग्रेस के मंत्री विधायक चुप नहीं रहते। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने की भी मांग की गई है। कहने को इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्री फॉर्मूले पर चर्चा की बात है, लेकिन इसके रास्ते हाईकमान तक कैप्टन को हटाने का संदेश भेजना है। वहीं जब पहले खुली बगावत हुई थी तो सिद्धू के विवादित सलाहकार रहे मलविंदर सिंह माली ने कहा था कि अगर कैप्टन ने बुलाए तो फिर पार्टी प्रधान होने के नाते सिद्धू को कहकर बैठक बुलाई जाए, जिसके बाद कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटाने का रास्ता बन सकेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।